हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे बॉयफ्रेंड की निशानी कौन सी होती है, यानी कि सच्चा प्यार करने वाला जो बीएफ होता है वो कैसा होता है, वो क्या करता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तो आज के वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो बहुत ही काम की है। उसके बदौलत ज़्यादातर लड़कियाँ देख पाएंगी कि उनके साथ जो बीएफ या फिर बॉयफ्रेंड है वो सच्चा प्यार करने वाला है, या तो फिर डोंग तो नहीं कर रहा है, झूठा तो नहीं है। तो इससे क्या होगा कि लड़कियाँ, अगर सच्चा बॉयफ्रेंड मिला होगा तो उनको अपना लेगी, पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगी। अगर उन्हें कई डाउट होगा वीडियो देखने के बाद, तो वो अपने रिलेशनशिप से बच सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दो मैच्योरिटी बॉयफ्रेंड के माइंड की समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहली है कि वो कभी भी जीएफ की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी और समझने लायक बात है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है, मोबाइल में पासवर्ड है, पीसी में पासवर्ड है, हर जगह पासवर्ड है। तो कोई नहीं चाहता कि मेरी बातें, मेरी जो सोशल मीडिया की अपडेट है, टॉकिंग्स है, कुछ भी है, वो कोई भी देखे। और वो ये भी नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड भी वो देखे। इसके लिए मैं कहता हूँ, अगर बॉयफ्रेंड कभी भी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना नहीं चाहता, हाँ गर्लफ्रेंड कहे सामने से तो उसे रिस्पॉन्ड अच्छे से करता है, लेकिन सामने से कभी भी वो पर्सनल लाइफ में आना नहीं चाहता, इंटरफियर नहीं करता, अगर ऐसी मैच्योरिटी बॉयफ्रेंड के माइंड की है तो ये सच्चा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड माना जाएगा। नंबर दो पे जो मैच्योरिटी की बात करते हैं, वो है कभी भी शक नहीं करेगा और कभी भी फोर्स नहीं करेगा, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। हाँ दोस्तों, शक नहीं करना भी एक सबसे बड़ा ट्रस्ट रिलेशनशिप में दिखाया जाता है, या तो फिर माना जाता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी कभी भी शक नहीं करता कि आप, तुम उसके साथ गई थी, क्या संबंध है तुम्हारा उसका, क्या करने गई थी, क्यों करने गई थी, इतनी लेट नाइट तक क्या कर रही थी, ऐसा कुछ भी सवाल करता है तो वो शक हो गया, लेकिन नहीं करता तो वो शक नहीं कर रहा है। वो ऐसा कहेगा कि नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जो भी करोगी सही ही करोगी। और कभी भी फोर्स नहीं करता, नहीं तुम्हें यही कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, तुम बताते हो कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, तुम्हें ऐसा पहनूं, तब कहता है तो ठीक है, लेकिन सामने से कभी फोर्सफुली नहीं कहता कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें वही करना है, ऐसा नहीं करना है। तो अगर ऐसा करता है तो वो एक मैच्योरिटी दिखाई जाएगी। तो ये तो बात की हमने मैच्योरिटी ऑफ माइंड की। अब अगला जो पॉइंट देखते हैं कि बॉयफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड किसे माना जाए। आपके बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपके बॉयफ्रेंड को तो वो आपसे फाइट नहीं करेगा, पहले पूछेगा, यानी कि थर्ड पर्सन जो आके बोलते हैं कि वो ऐसी है वैसी है, तो वो कभी भी आपसे आकर सीधा फाइट नहीं करेगा, टूटेगा नहीं आप पे, वो आपसे डिस्कस करेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा था या कुछ, आप कैसा जवाब देते हैं, उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। और कभी भी वो छोड़कर नहीं जाएगा, आपके सारे पॉइंट में क्लैरिटी वो चाहेगा, क्लियर करना चाहेगा सारे पॉइंट को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, ये मैं सबसे बड़ी क्वालिटी मानूंगा अगर आपके बॉयफ्रेंड में है तो वो सच्चा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड है, क्योंकि दोस्तों जो तीसरे की नहीं सुनता उसे ही अपने रिश्तों पर भरोसा होता है। अगला जो पॉइंट है वो है आपके साथ मैरिज लाइफ के प्लान, फ्यूचर प्लान बनाता है। हाँ दोस्तों, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना है कि आपके साथ पूरी लाइफ जीना है, अच्छे से जीना है। वो बोलेगा बातों बातों में, ऐसा आपको लग ही जाएगा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ ज़िंदगी के वो कीमती पल बिताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी सारी बातें अगर वो बोलता है, आपके उनके फ्यूचर प्लान में आप है, मैरिज लाइफ के प्लान में आप है, तो समझ लीजिए वो आपसे सच्चा प्यार करता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर लड़का लड़की को यूज़ करना चाहता है और वहाँ पे रिश्ता तोड़ देना चाहता है, लेकिन कोई ऐसे अच्छे लड़के होते हैं जो अपनी लड़की को, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी ज़िंदगी साथ लेके चलना चाहते हैं। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड भी ऐसा है तो वो सच्चा प्यार करने वाला ट्रू लवर है। और लास्ट में जो मैं बात कहने वाला हूँ वो है फ्रीडम ऑफ लाइफ। दोस्तों, आजकल ये लड़के ज़्यादातर नहीं देते, पिक हो, कॉल हो, पार्टी हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, कोई रोक टोक वो नहीं करेगा कि सोशल मीडिया पे तुमने ऐसा पिक क्यों रखा, इनसे तुमने कॉल पर क्या बात की, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में क्यों गई, तुम यहाँ पे घूमने क्यों गई, ऐसे कोई भी सवाल वो नहीं पूछता। तो समझ लीजिए वो अपने एक अलग लेवल पे है, वो चाहता है कि लड़कियों को भी फ्रीडम होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा फ्रीडम हो तभी तो लड़की कमिटमेंट
कर पाएगी अच्छे से, तभी तो वो कह पाएगी कि नहीं मुझे भी मेरी लाइफ मिल रही है, तुम्हें भी मिल रही है, हम दोनों साथ में भी जिएंगे तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसे ही परफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अगर आपके रिश्तों में ये सारी बातें, खास करके लड़कियाँ गर्लफ्रेंड देख लें कि अगर आपके बॉयफ्रेंड में सारी क्वालिटीज़ है तो आप एक नसीब वाली बंदी है, आप बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसे लड़के को कुछ भी हो जाए मत गवाना, उनके साथ रहे, उनके साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड करें। और लड़कों को मैं कहना चाहूँगा, आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप अपने आप में डेवलप करें, ये क्वालिटीज़ बहुत ही बड़ी बात है और कोई भी रिश्ते के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उनका बॉयफ्रेंड कैसा है, अगर लड़का हो तो वो भी अपनी क्वालिटीज़ इम्प्रूव कर पाए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए बिए फ्रांजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।